एक्शन। नेहा, तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई? तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई नेहा? मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा समीर। तुम्हारा अकेला बनी तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है समीर। समीर, मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय से तुम्हारी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन जो तुमने मुझे बताया कि तुम्हें खुद नेहा दिखती है, ये थोड़ा अजीब है। क्या तुम समझते हो इससे तुम्हारा भ्रम हो सकता है? नहीं डॉक्टर, ये सिर्फ भ्रम ही है। मुझे हर बार ऐसा लगता है कि नेहा मेरे साथ है, मेरे आसपास है। वो जब आती है तो मुझे बड़ा सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती है, मगर मैं समझ नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है तुम उससे संपर्क करने की कोशिश करना चाहिए। तुम्हारे पास उसका कोई मोबाइल नंबर या कोई सोशल अकाउंट, जहां तुम अपनी स्थिति साफ कर पाओ, इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। डॉक्टर, जब हमने अलग होने का फैसला किया था ना, तब से हमने एक दूसरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं, कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी मेरे पास नहीं है। उसका सोशल मीडिया का अकाउंट ना कोई फोन नंबर, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। पर अब तो बहुत साल भी हो गए। समीर, मानसिक शांति के लिए तुम्हें ये भ्रम दूर करना होगा। अपने मन में से ये अस्थाई छवियां मिटानी होंगी, लेकिन जब तुम उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे, ये सवाल तुम्हें हमेशा परेशान करता रहेगा। हाँ डॉक्टर, कोशिश। लेकिन जो तुमने मुझे बताया कि तुम्हें खुद नेहा दिखती है, ये थोड़ा अजीब है। क्या तुम सोचते हो इससे तुम्हारा भ्रम हो सकता है? समीर, मानसिक शांति के लिए तुम्हें ये भ्रम दूर करना, अपने मन में से ये अस्थाई छवि मिटानी है। लेकिन जब तुम उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे, ये सवाल तो हमेशा परेशान रहता है।
जिस मोबाइल नंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ये अभी उपलब्ध नहीं है। द मोबाइल नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट इज नॉट अवेलेबल। आप जिस मोबाइल नंबर पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये अस्थायी रूप से बंद है। द मोबाइल नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट इज टेंपरेरी आउट ऑफ सर्विस। अंजलि, थैंक गॉड तुम्हारा पुराना नंबर तो काम कर रहा है यार। किसी का भी कोई भी नंबर काम नहीं कर रहा। अंजलि सॉरी, हाँ मैंने तुम्हें परेशान किया। मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारे पास नेहा का कोई भी कांटेक्ट है क्या? यार समीर, नेहा ने शादी के बाद सबसे बात करना बंद कर दी थी और तू जानता है कि वो पहले भी कभी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी। यार कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तुम्हारे पास तो प्लीज मुझे बता दो। हाँ, उसकी मम्मी से मिली थी मैं उसकी शादी के बाद एक बार। वो लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं, उनका पता बता। प्लीज प्लीज एक मिनट रुको, मैं नोट कर लेता हूँ। कौन है? हाँ आंटी, मैं समीर, नेहा का दोस्त। क्या मैं नेहा से मिल सकता हूँ? मेरी मम्मी? बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी है, तुम देखते ही पहचान जाओगे कि वो मेरी मम्मी है। बेटा नेहा तो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसकी शादी के बाद कुछ अच्छा नहीं चला और तलाक के बाद एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। बस अपनी एक निशानी छोड़ गई है। निशानी? कैसी निशानी? मेरी नेहा का बेटा, मेरी नेहा की आखिरी निशानी सागर। क्या इसमें तुम्हें तुम्हारी परछाई नहीं दिखाई देती? बस इसी को तुमसे मिलाने के लिए मैं तुम्हारे ख्वाबों में बार बार आ रही थी। ये तुम्हारा ही बेटा है समीर। Yeah.
कहियों लागे नहीं कहियों लागे नहीं अब सागर तुम्हारी जिंदगी में आ गया है समीर, अब तुम्हें भी सुकून और मेरी आत्मा को भी सुकून। फिर ले आया दिल तेरी यादों की राहों में, फिर गुम होने लगी रूह तेरी पनाहों में, फिर तेरी उंगलियां धड़कन को सहलाने लगी, फिर मेरी तन्हाई को तेरी खुशबू महकाने लगी, फिर से मेरे खालीपन को एक चहक ने तेरी भर दिया, परसों से बस भटक रहा था जिंदा मुझको कर दिया, फिर ले आया दिल तेरी यादों की राहों में, फिर गुनगुने लगी रूह तेरी पनाहों में।